हम लोग नॉर्मली अपने ऑफिसेज में यही यूज करते हैं, हमने डिजाइन किया है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो आती है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन कहाँ रखी हुई है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मुझे, अगर मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन, छोड़ो मैं रख लूंगा, मैं डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बता दूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले आती है कंप्यूटर की स्क्रीन। अगर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन इधर रख रहा हूँ तो मेरा सर यू है, और मैं, मेरी जो गर्दन है, मेरे सर्वाइकल की जो मसल है वो इस तरफ, इस तरह से काम कर रहा हूँ मैं, और मेरी सर्वाइकल के मसल डैमेज हो रहे हैं, और ये एक क्या कहते हैं, मेरा एक सर्वाइकल टिल्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यही इसको इधर रख दिया तो मेरे अब सर जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इधर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और मैं इधर, मेरी जो विजन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ठीक हो रहा है, राइट। स्टेट बैंक की जो मैं आपको मिसाल दे रहा था, वो जो साहब थे, उनका सर्वाइकल जो का पेन था वो इस वजह से था क्योंकि उनकी जो स्क्रीन है वो इधर थी, और जब वो काम कर रहे थे तो वो यूं कर रहे थे काम। अब जाहिर सी बात है, जब आप इस एंगल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टिल्ट आ रहे, प्रेशर पड़ रहा है आपके वर्टिब्रास पे, तो उधर उनको ना मसल स्पैज़म हो गया था। तो मैं उनको सिंपल सा ये बताया था कि आप कंप्यूटर में बैठे अपनी स्क्रीन को ऊपर कर लें, इस एंगल पे ले आए कि आपका जो सर है ना स्ट्रेट रहे, राइट। तो पहली चीज हमने मॉनिटर स्क्रीन को देख लिया कि बहुत सिंपल है, आपने उसको बस परपेंडिकुलर टू योर आईज लेके आना है कंप्यूटर स्क्रीन को, अगर आप कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, सेलफोन में भी ये है, सेलफोन ज्यादा देर तक यूज करने से सर्वाइकल पेन होगा और बहुत बुरा होगा, क्योंकि सेलफोन का मसला ये है कि आप प्रोलॉन्ग तरीके से यूज कर रहे हैं, आप चलते हुए भी यूज कर रहे हैं और आपकी सर यू नीचे है, तो उससे जो है सर्वाइकल, सर्वाइकल की जो मसल्स है, जो उसके आस पास मसल्स है, वो सारी डैमेज हो जाती है। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है, जो प्रॉब्लम लोगों को फेस होता है, वो रिस्ट का होता है, हाथ का, इसका उसमें ये होता है कि उनके जो कीबोर्ड है वो फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे होता है, वो यूं काम कर रहे होता है। अब देख रहे हैं इधर कितना प्रेशर पड़ रहा है। अब इसी तरह अगर मैं अपने कीबोर्ड को इधर रखूं और एक 90 डिग्री एंगल लगाऊं और यूं लैपटॉप पे काम करूं, तो मेरे लिए खुद भी एक आसानी है, और ये जो वर्किंग करते वक्त आप अपनी चीज़ों को जो मैनेज कर सकते हैं वो आसान है। अच्छा, ये जो एक स्टैंडिंग डेस्क सोल्यूशन है, ये आप क्या कहते हैं, पूरे 8 घंटे नहीं यूज कर सकते। ये बेसिकली आपके वेरिएशन लाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 घंटा बैठ के काम किया, 1 घंटा इस पे काम किया, 2 घंटा इस पे काम किया, फिर 1 घंटा बैठ के काम किया, राइट। और मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी स्क्रीन है, कीबोर्ड है, वो आप जब कॉन्शियसली आप उसकी टिल्ट को, उसके बेंड्स को, आपने अगर एंगल को सही से रखा है, तो फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी और आपकी मसल्स भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। एर्गोनॉमिक्स में और भी कुछ